सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिनके फ़ोन में प्राइवेट डीएनएस का ऑप्शन है, जिनके फ़ोन में प्राइवेट डीएनएस की सेटिंग है, वो लोग कैसे चला सकते हैं विदाउट वीपीएन। बहुत ही सिंपली है, बस आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूं, जो भी मैं सेटिंग कर रहा हूं वही आपको करना है, ठीक है। आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पर आपको मिलेगा अदर वायरलेस कनेक्शन। इस पर आप जैसे जाओगे तो यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा प्राइवेट डीएनएस, ठीक है। प्राइवेट डीएनएस में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा डिजाइनेटेड प्राइवेट डीएनएस, तो इस पर आपको क्लिक करना है। एंड इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा मॉडिफाई या चेंज नेम का ऑप्शन, ठीक है। ये आपको नेम डालने का एड्रेस मिल सकता है, इस पर आपको dns.google डाल देना है। उसके बाद आपको सेव कर, और अगर आपको ये सेटिंग नहीं मिल रही तो आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में ऊपर की साइड आपको सर्च बार का ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको डालना है प्राइवेट डीएनएस, ठीक है। डीएनएस आपको कैपिटल में डालना है तभी आपका आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्मॉल डाल दिया तभी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप प्राइवेट डीएनएस जैसे ही डालोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी ये वाली सेटिंग। तो बस आपको प्राइवेट डीएनएस में जाना है एंड यहाँ से आपको इसे एडिट करके dns.google डाल के सेव कर देना है, ठीक है। और अगर आप ये सब ट्राई कर चुके हो फिर भी आपका विदाउट वीपीएन नहीं चल, या जिनके फ़ोन में प्राइवेट डीएनएस का ऑप्शन नहीं है या सर्च बार का ऑप्शन नहीं है, तो इस वीडियो को तुम एंड तक देखना, आपका पबजी मोबाइल गारंटी के साथ भाई पबजी मोबाइल विदाउट वीपीएन के चल जाएगा। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट कर। यो व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल चाल, स्वागत है तुम्हारा एक और न्यू वीडियो में। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, जो तुम्हारा पबजी मोबाइल का 1.4 का विदाउट वीपीएन नहीं चल रहा है और तुम जैसे ही लॉगिन करते हो तो लॉगिन फेल्ड या सर्वर एचबीजी, मतलब कि कोई भी दिक्कत आ रही है लॉगिन से रिलेटेड, तो वो सारी फिक्स होने वाली है एंड भाई विदाउट वीपीएन के चलने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को तुम एंड तक जरूर देखना, और नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना, क्योंकि भाई तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैं वैसे ज़्यादा कहता भी नहीं हूँ, बस यार सब्सक्राइब करो क्योंकि हमें भी कुछ दिखाना है, ठीक है। तो भाई सब्सक्राइब कर दो एंड साथ में लाइक भी कर देना। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आपको लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको विदाउट वीपीएन कैसे चलाना है। और तो सबसे पहले तो आप मेरा नोटिफिकेशन चेक कर लो, यहाँ पर मैंने कोई भी वीपीएन नहीं लगा के रखा है, बट यहाँ पर हमारा पबजी मोबाइल का ग्लोबल वर्जन 1.4 विदाउट वीपीएन के चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भाई मेरे सामने अभी कोई भी लॉगिन की प्रॉब्लम कोई नहीं आ रही, क्योंकि मैंने सेटिंग ऑन रखी है, ठीक है। अभी मैं आपको इसे लॉग आउट करके अपना जो अकाउंट मैंने लॉगिन कर रखा है एंड मैं इसे लॉग आउट करूँगा, इसके बाद जो मैंने सेटिंग ऑन करके रखी है उसको भी मैं ऑफ़ कर दूंगा, एंड उसके बाद भाई आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा, और लॉगिन करने में कोई भी दिक्कत आती है वो सारी सॉल्व करके दिखाऊंगा एंड विदाउट वीपीएन का चला के दिखाऊंगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर लॉग आउट कर दिया है अपना पबजी मोबाइल, एंड यहाँ से हम फिर से लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर ये लोडिंग लेगा और यहाँ पर लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। नेट पर एरर या लॉगिन फेल ऐसा करके आ जाएगा, ये सबके में आता है, ठीक है। तो अब आपको इसे कैसे फिक्स करना है, एंड भाई इसे फिक्स करने के लिए भाई आपको क्या करना होगा, एक वीपीएन डाउनलोड करना है, ठीक है। सॉरी वीपीएन नहीं, आपको एक डीएनएस डाउनलोड करना है, ठीक है। डीएनएस आपको कौन सा डाउनलोड करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो गाइज, आपको डीएनएस डाउनलोड करने के लिए आपको अपना प्ले स्टोर खोलना है। प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है ट्रस्ट डीएनएस, ठीक है। ये एक डीएनएस चेंजर है जिसमें आप अपने कस्टम डीएनएस लगा सकते हो, जैसे कि जिसके फ़ोन में डीएनएस चेंजर नहीं होता, जैसे प्राइवेट डीएनएस मैंने बताया था, ठीक है। तो जिनके फ़ोन में डीएनएस चेंजर नहीं है ये उन लोग के लिए, ठीक है। और जिनके फ़ोन में डीएनएस है वो तो भाई बस सिंपली अपना डीएनएस सेटिंग में जाएं और वहाँ पर dns.google लिख दें, एंड उसके बाद तुम्हारा पबजी मोबाइल विदाउट वीपीएन चल जाएगा। फिलहाल तो इसको ओपन करने के बाद इधर आपको कोने की साइड में सेटिंग दिख रही हो, सेटिंग पर जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा चेंज डीएनएस, चेंज डीएनएस पर क्लिक करोगे तो आपको उधर साइड में मिलेगा कस्टम, कस्टम पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना एक नया कस्टम डीएनएस चेंजर बनाने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आने के बाद आपको यहाँ पर नेम डालना है पबजी, पबजी डालने के बाद यहाँ पर जो आपको डिस्क्रिप्शन दिख, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ना ही आपको यहाँ पर किसी भी टिक लगाना है, ठीक है। आपको बस ऐसे ही छोड़ देना है, यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको डालना है dns.google, ठीक है। वही आपको डालना है जो आप DNS चेंजर में डालते हो प्राइवेट DNS में, ठीक है। और यहाँ पर आपको डाल देना है dns.google, ठीक है, dns.google डालना है। एंड यहाँ पर जो आपको लिंक दिख रही है IP HTTPS, यहाँ पर अभी आपको डालना है dns.google, एंड उसके बाद आपको इसे एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद भाई आपका काम ख़त्म हो चुका है, ये आपका DNS चेंजर बन चुका है। अब यहाँ पर आपको एक्टिव कर देना है, एक्टिव अब जैसे ही करोगे उसके बाद भाई आपको अपना पबजी मोबाइल फिर से ओपन करना है, ठीक है। अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मैं गया पबजी मोबाइल पे, एंड यहाँ पर जो लॉगिन की प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारी, लॉगिन फेल्ड, सर्वर एचपीजी, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, ऐसा करके कोई भी दिक्कत आती है वो सारी की सारी सॉल्व हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ फिलहाल। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा पबजी मोबाइल यहाँ पर लॉगिन हो चुका है, बट यहाँ पर मैंने
DNS लगा के रखा है, ठीक है। अभी मैं उस DNS को भी हटा दूंगा एंड उसके बाद भी आपको विदाउट VPN के चला के दिखाऊंगा विदाउट DNS, ठीक है। तो आपको बस यही सेम प्रोसेस करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो ये लॉगिन हो चुका है। एंड अब आपको क्या करना है, आपका जैसे ही लॉगिन हो जाए एक बार ही आपको रिफ्रेश कर लेना है और जो आपने DNS लगा के रखा है, ठीक है, उसको डिसकनेक्ट कर देना है, ठीक है। और अगर आप रिफ्रेश करके फिर से अपना पबजी मोबाइल ओपन करते हो, सब कुछ ऑफ़ करने के बाद DNS या VPN सब कुछ ऑफ़ करने के बाद आप जैसे ही लॉगिन करते हो, तो यहाँ पर अगर आपका बहुत ज़्यादा लोडिंग ले रहा है तो आपको एक बार एरोप्लेन मोड लगाना है, ठीक है, लोडिंग के टाइम। एंड यहाँ पर ओके करना है एंड दोबारा से ओके करना है, फिर से ओके करना है। एंड यहाँ पर आप आ जाओगे लॉगिन पेज पे। तो लॉगिन पेज पे आप जैसे ही आ जाओ उसके बाद आपको अपना एरोप्लेन मोड ऑफ़ कर देना है, ठीक है। और नेटवर्क जैसे ही आ जाए उसके बाद आपको अपना पबजी मोबाइल लॉगिन करना है एंड ये बहुत जल्दी लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। और अभी बात करते हैं भाई जिनके फ़ोन में DNS की सेटिंग है, जो जिनके फ़ोन में DNS चेंजर है, वो मतलब जो मैंने सेटिंग बताई अभी पीछे, ठीक है, DNS ट्रस्ट DNS आपको कस्टम कैसे बनाना है। तो ये भाई था जिनके फ़ोन में DNS सेटिंग नहीं है, प्राइवेट DNS का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो वो ये चला सकते हैं विदाउट VPN। एंड जिनके फ़ोन में प्राइवेट DNS का ऑप्शन है तो बस भाई आपको सेटिंग करनी है, अपने प्राइवेट DNS में जाना है एंड वहाँ पर आपको डाल देना है dns.google, उसके बाद आपको उसे सेव करना है एंड भाई तुम्हारा PUBG मोबाइल विदाउट VPN के चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना।